हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ मोनिका इंगवे। आज हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मीनिंग होता है आत्मा और लोगस का मीनिंग होता है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान है। शुरुआती दौर में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना जाता था। प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ट जैसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। चूंकि आत्मा अपने आप में एक भ्रामक शब्द है, यह कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, इसीलिए 16वीं सदी के अंत तक यह धारणा अमान्य सिद्ध हो गई। 17वीं सदी के प्रारंभ में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लगभग 200 वर्ष तक मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता रहा है। 19वीं सदी आते आते मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। विलियम वुंड, विलियम जेम्स व जेम्स सली जैसे वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में पहचान दिलाई। 1889 में विलियम वुंड ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। आत्मा के समान चेतना भी एक भ्रामक शब्द ही है, इसीलिए आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने इस शब्द को भी अस्वीकार कर दिया। आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वाटसन, वुडवर्थ, स्कैनर, थर्नडाइक, मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, जिसे वाटसन ने दिया है। उसी प्रकार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह वुडवर्थ ने कहा है। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में बात करें तो यह इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर समान मनोविज्ञान, सेकंड असमान मनोविज्ञान, थर्ड है तुलनात्मक मनोविज्ञान, फोर्थ है समाज मनोविज्ञान, फिफ्थ नंबर पे आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सिक्स है औद्योगिक मनोविज्ञान, सेवन है बाल मनोविज्ञान, एट नंबर पे आता है किशोर मनोविज्ञान, 9 नंबर पे आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, 10 नंबर पे आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, 11 नंबर पे आता है शिक्षा मनोविज्ञान, 12 नंबर पे आता है पशु मनोविज्ञान, 13 नंबर पे आता है नैदानात्मक मनोविज्ञान, 14 पे आता है परा मनोविज्ञान। अभी तक हमने साइकोलॉजी का अर्थ जाना, उसकी विभिन्न परिभाषाओं पर विचार किया, साथ ही मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में भी बात की। अब हम जानेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बना जाता है। 12वीं के बाद बीए अथवा बीएससी में साइकोलॉजी का 3 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होता है। उच्च अध्ययन के लिए 2 वर्ष का पीजी पाठ्यक्रम होता है। शोध उपाधि के रूप में एमफिल व पीएचडी उपाधि के लिए आवश्यक होती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद हम मनोवैज्ञानिक के रूप में समाज को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मनोविज्ञान चिकित्सा विज्ञान का भी एक हिस्सा है। मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी का 5 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, जिसे पूर्ण करने पर साइकेट्रिस्ट के रूप में पहचान प्राप्त होती है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मुख्य अंतर यह है कि साइकेट्रिस्ट एक चिकित्सकीय उपाधि है, जबकि साइकोलॉजिस्ट एक सैद्धांतिक उपाधि है। साइकेट्रिस्ट व साइकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएँ एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में दे सकते हैं, साथ ही काउंसलर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक टीचर तथा कंसल्टेंट के रूप में भी विद्यार्थियों व विभिन्न संस्थाओं में सेवाएं दे सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के रूप में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। और भी अनेकों क्षेत्र हैं जहाँ साइकोलॉजिस्ट अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का मुख्य दायित्व इस प्रकार है। फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक को मानव व्यवहार को सूक्ष्मता से पहचानना होता है, साथ ही उसे रोगी के इमोशनल पैटर्न को समझना होता है।
सेकेंड पॉइंट है रोगी की मानसिक अवस्था के निदान के लिए विभिन्न जांच व परीक्षण करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है विभिन्न परीक्षण इंटरव्यू के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर रोगी के लिए उपयुक्त उपचार का चुनाव करता है। फोर्थ पॉइंट है संकलित आंकड़ों के आधार पर आर्टिकल रिसर्च पेपर रिपोर्ट तथा सिद्धांत का प्रकाशन करता है। आज हमने मनोविज्ञान के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बना जाता है यह जाना। इस सीरीज के अगले वीडियो में मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का एक एक कर अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो नए छात्रों को साइकोलॉजी सब्जेक्ट चुनने में मदद करेगा, साथ ही यह लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।